Hello everyone and welcome to Achieve IAS once again. My name is Akash Vijayan और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गवर्नर के रोल के बारे में कि जब असेंबली का सेशन कोई होने वाला होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जब सेशन होता है तो उसको समन करने में गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, ठीक है, उसको बुलाने में एक गवर्नर का क्या रोल होता है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि लॉ का कहता है और जो आपकी कोर्ट है वो उस बारे में क्या कहती है, ठीक है, तो संविधान के भी कुछ प्रावधानों के बारे में हम जिक्र जरूर करेंगे, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि अभी केरला के आपके गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, उन्होंने जो है वहाँ की गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वहाँ की जो सरकार है पिनारी विजयन जी की जो सरकार है, ठीक है, उनकी एक रिक्वेस्ट को जो है टर्न डाउन कर दिया, उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, जो आपके पिनारी विजयन जी थे जिनकी सरकार थी उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि वो लोग जो आपके तीन फार्म लॉज हैं, ठीक है, जो आपके तीन फार्म एक्ट है जिनको लेके अभी हमारे देश में किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस बारे में वो एक स्पेशल उनको डिस्कस करने के लिए, उनके बारे में डिबेट करने के लिए वो एक स्पेशल सिटिंग चाहते थे असेंबली की, ठीक है, वहाँ की जो आपकी विधानसभा है, ठीक है, उसके बारे में वो एक स्पेशल उसकी मीटिंग चाहते थे, लेकिन उस रिक्वेस्ट को जो है वहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, तो फिर से जो है ये डिबेट फिर से स्टार्ट हो गई है कि गवर्नर की कोई पावर इसको रिजेक्ट करने में है कि नहीं है, ठीक है, संविधान क्या कहता है, क्या ये संविधान के अगेंस्ट में जाता है, क्या गवर्नर के पास ऐसे हक है कि वो सरकार की बात को मना कर सकते हैं जबकि सरकार के पास बहुमत भी है, मेजोरिटी भी है, ठीक है, और आपको पता है ये इस साल कई बार हो चुका है ऐसा, हर स्टेट में कई बार हो चुका है, ठीक है, ये जो गवर्नर और वहाँ की सरकार के बीच में जो हम स्टैंड ऑफ देखते हैं ना, जो ये रेटोरिक देखते हैं, ठीक है, वो हम कई स्टेट्स में देख चुके हैं इस साल कम से कम, ठीक है, और ये असेंबली वाला भी हमने एक बार हम ऑलरेडी देख चुके हैं राजस्थान में जब वहाँ के गवर्नर ने मना कर दिया था सेशन बुलाने से, ठीक है, जब आपको याद होगा वो सचिन पायलट वाला जब एक कंट्रोवर्सी जब हुई थी सचिन पायलट वाली, ठीक है, उस वक्त ऐसा हुआ था, ठीक है, तो चलिए हम आगे डिस्कशन करते हैं उस बारे में मैं राजस्थान वाले केस में नहीं जाऊंगा, ठीक है, वरना वो किसी और टॉपिक पे चले जाएंगे हम। तो देखिए द हिंदुस्तान टाइम्स में भी इसमें बताया गया है, हिंदुस्तान टाइम्स में, ठीक है, केरला गवर्नर डिनाइज परमिशन फॉर स्पेशल असेंबली सेशन अगेंस्ट फार्म लॉज, ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि हु कैन समन अ सेशन ऑफ द असेंबली, ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे देश में पार्लियामेंट है, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट संसद है, तो उसको समन कौन करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है, तो ऐसे ही जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसको जो समन करता है वो गवर्नर होता है, राज्यपाल, ठीक है, तो द गवर्नर शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन द हाउस और ईच हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट, ठीक है, और ये बात आपकी कहाँ लिखी हुई है, ये आपकी जो डिक्टो लाइन है जो इस वाले इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट होकर आपकी जो इस वाले इन्वर्टेड कॉमा में खत्म होती है, ठीक है, यहाँ से आपकी स्टार्ट होके तो यहाँ पे खत्म हो रही है, ये आपका एज इट इज लिखा हुआ है हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, हमारे देश के संविधान में, कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 174 के अंदर, ठीक है, आर्टिकल 174 में ऐसा क्लियरली लिखा हुआ है कि जो गवर्नर है ये जो है असेंबली को जो समन करते हैं वो गवर्नर का ही जो एक फंक्शन है, ठीक है, हमारे आर्टिकल 174 में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, द प्रोविजन ऑल्सो पुट्स ऑन गवर्नर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंश्योरिंग दैट द हाउस इज समन्ड एटलीस्ट वंस एवरी सिक्स मंथ, ठीक है, और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर के ऊपर ये है कि हर छह महीनों में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन होना ही चाहिए, ठीक है, किसी भी दो सेशनों के बीच में छह महीने से ज्यादा का समय नहीं हो सकता, ठीक है, ये आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है, ठीक है, ये जो है ये बात आपको पता है कुछ दिनों पहले न्यूज में आई थी, पार्लियामेंट को लेकर भी आई थी, ठीक है, ये वाली बात कि छह महीने से ज्यादा का समय नहीं हो सकता, ठीक, जब याद होगा आपको कि जब आपका जब कोरोना के वक्त पार्लियामेंट का सेशन जब होस्ट किया गया था, ठीक है, जब ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है, तब ये बात भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आई थी, इस बात को काफ़ी हाईलाइट किया गया था, ठीक है, कि और वैसे लक्ष्मीकांत ने भी ये बात लिखी हुई है कि छः महीने से ज़्यादा का जो समय है किसी भी हाउस मतलब पार्लियामेंट के सेशन के बीच में वो नहीं हो सकता, ठीक है, छः महीने में जो है हमें दूसरा सेशन कंडक्ट करवाना ही पड़ता है, ठीक, although it is the governor's prerogative to summon the house according to article 163 the governor is required to act on the aid and advice, ठीक है, तो हमने article 174 में क्या पढ़ा कि जो हमारा असेंबली है उसको समन करता है वो गवर्नर करते हैं, ठीक है, गवर्नर करते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या गवर्नर की अपनी पर्सनल चॉइस होती है, अपनी पर्सनल डिस्क्रिप्शन होती है या फिर किसी की एडवाइस से उसको काम करना होता है, ठीक है, तो इस बात का जवाब हमें मिलेगा नो आर्टिकल 11 आर्टिकल पहले, ठीक है, आर्टिकल नंबर 163 में हमें इस बात का जो है जवाब मिलेगा, ठीक है, आर्टिकल 163 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो गवर्नर है उनको कैबिनेट की एड एंड एडवाइस पे जो है
काम करना होगा। द गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू एक्ट ऑन द एज एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, तो गवर्नर की सब पर्सनल डिस्क्रिप्शन नहीं होती है, ठीक है, जब तक कि हाउस के पास आपकी मेजोरिटी है, ठीक है, मेजोरिटी गवर्नमेंट वहां पर अगर है तो गवर्नर की पर्सनल डिस्क्रिप्शन वहां पर नहीं चलेगी। ठीक है, गवर्नर को जो है कैबिनेट की एड एंड एडवाइस पर काम करना पड़ेगा। सो व्हेन द गवर्नर समन्स द हाउस अंडर आर्टिकल 174, दिस इज नॉट ऑफ हिज हर और ऑफ हिज और हर ओन विल बट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, तो ये जो है कैबिनेट की एडवाइस पे जो है वो करते हैं। कैन द गवर्नर रिफ्यूज द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, तब ये होता है कि अब भाई हमने देख लिया कि भाई इस साल कई बार हो चुका है कि गवर्नर साफ साफ मना कर दिया, भाई रिजेक्ट कर दिया कि मैं नहीं बुला रहा सेशन, मैं समन नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या गवर्नर के पास ऐसा हक है कि वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर अ फ्यू इंस्टेंसेस वेयर द गवर्नर कैन समन द हाउस डिस्पाइट द रिफ्यूजल ऑफ द चीफ मिनिस्टर हु हेड्स द कैबिनेट। ठीक है, तो वैसे कई सारे इंस्टेंस ऐसे भी हुए हैं कि चीफ मिनिस्टर ने मना कर रखा है, कैबिनेट ने मना कर रखा है कि आप संबंध नहीं करेंगे। ठीक है, उन्होंने ऐसी एडवाइस नहीं दी कि आप संबंध करें, लेकिन फिर भी उन्होंने संबंध कर दिया। ऐसे इंस्टेंसेस पास्ट में हो रखे हैं। व्हेन द चीफ मिनिस्टर अपीयर्स टू हैव लॉस्ट द मेजोरिटी एंड द लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रपोज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर, देन द गवर्नर कैन डिसाइड ऑन हिज और हर ओन ऑन संबंधिंग द हाउस। ठीक है, ऐसी एक कॉन्ट्रोवर्सी आपको पता है अभी हुई थी छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में नहीं मध्य प्रदेश में हुई थी, सॉरी मध्य प्रदेश में हुई थी। ठीक है, आपके वहाँ पे कमलनाथ की सरकार थी जब, ठीक है, जब वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आपके बहुत सारे कांग्रेस के MLA ने जो है डिफेक्शन कर दिया था। ठीक है, तब वहाँ पे आपको पता है कि होली के पास से कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। ठीक है, मेरे को याद है होली के पास ही हुई थी, मैंने सुबह सुबह न्यूज़ देखी थी। ठीक है, तब ये सब हुआ था। ऐसा ही वहाँ पे आपको पता है कि पूरे पूरे जो पूरा जोर लगाया था कमलनाथ ने कि जो है सेशन ना हो, असेंबली का सेशन ना हो, लेकिन वहाँ के गवर्नर फिर भी जो है उसको सेशन कंडक्ट करवा दिया था। ठीक है, फिर भी जो है सेशन होल्ड करवा दिया था। ठीक है, उसको सम्मन कर दिया था। ठीक है, तो ऐसे इंस्टेंसेस भी हुए हैं। ठीक है, तो इस बात से हमें यही निष्कर्ष निकलता है कि जब तक जो है सरकार के पास मेजोरिटी है, जब तक जो है गवर्नर को उनकी बात माननी पड़ेगी। लेकिन अगर सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है, ठीक है, बहुमत की सरकार अगर वहां पर नहीं है, तो फिर जो है गवर्नर अपनी पर्सनल डिस्क्रिप्शन पे काम कर सकता है। ठीक है, बट द एक्शन ऑफ द गवर्नर व्हेन यूजिंग हिज डिस्क्रिशनरी पावर्स कैन बी चैलेंज्ड इन कोर्ट। ठीक है, तो ठीक है भाई, गवर्नर के पास डिस्क्रिशन पावर जो आ जाती है, कंडीशनल है। ठीक है, आपको पता है कंडीशन के बेसिस पे ये डिस्क्रिशन पावर्स गवर्नर के पास आती है, राज्यपाल के पास आती है। ठीक है, लेकिन ये जो डिस्क्रिशनरी पावर्स है ना, इनको जो है कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, कोर्ट में जो है एक रिव्यू इनका करवाया जा सकता है, इनके अगेंस्ट में जो है पिटिशन डाली जा सकती है। ठीक है, हाउ हैव द कोर्ट्स रूल। ठीक है, तो कोर्ट्स ने अब क्या कहा है। ठीक है, अदालतों के इनके बारे में क्या कहना है। ठीक है, A number of rulings by the Supreme Court has settled the position that the governor cannot refuse the request of a cabinet that enjoys majority in the house unless it is patently unconstitutional. ठीक है, तो Supreme Court ने जो है clearly ये बात कह रहे हैं कि जो governor है वो cabinet की request को refuse नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक कि उस cabinet के पास, उस सरकार के पास जो है majority है। ठीक है, ठीक है, जब तक कि उस सरकार के पास majority है, जब तक जो है गवर्नर को उनकी बात माननी पड़ेगी और उनकी रिक्वेस्ट को वो रिफ्यूज नहीं कर सकते। द लेटेस्ट इन द लाइन ऑफ द रूलिंग्स इज द लैंडमार्क 2016 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच रूलिंग इन विच द सुप्रीम कोर्ट लुक्ड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन अरुणाचल प्रदेश आफ्टर द गवर्नर हैड इंपोज्ड फेडरलिस्ट रूल इन द स्टेट। ठीक है, कुछ ना पहले हमने अपनी द हिंदू की एनालिसिस के वक्त बताया था मैंने आपको कि 2016 में जो है रिपब्लिक डे वाले दिन फेडरलिस्ट रूल लगा दिया गया था अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये उसी केस से रिलेटेड है। ठीक है, जब जो सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट रूलिंग इस बारे में दी थी। ठीक है, इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द हाउस द पावर्स वेस्टेड विद द गवर्नर अंडर आर्टिकल 174 टू समन प्रोरोग एंड डिसॉल्व द हाउस मस्ट बी एक्सरसाइज इन कॉन्सोनेंस विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बात क्लियरली कही थी कि जब तक कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या चीफ मिनिस्टर या फिर जो सरकार है वहाँ पे उनके पास मेजोरिटी है, ठीक है, उनके पास बहुमत है, जब तक है तो क्या होगा, तब तक जो है गवर्नर को अपनी पर्सनल डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज करने का कोई राइट नहीं है। उनको जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर ही जो है एक्ट करना पड़ेगा, उनके अनुसार ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, The court read the power to summon the house as a function of the governor and not a power he enjoys. ठीक है, तो उन्होंने ये बात भी बहुत क्लियरली कही कि ये जो समन करने का जो ये है, ठीक है, ये जो है ये गवर्नर का फंक्शन है। ठीक है, ये उनकी पावर नहीं है। ठीक है, ये उनका फंक्शन है, ये उनका एक काम है। ठीक है, उनकी कोई शक्ति नहीं है ये। ठीक है, तो इसको आप जो है स्पेशली अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं डिस्क्राइब करने के लिए, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि वो इनका फंक्शन है। ठीक है, इट इज नॉट
हिज और हर पावर, ठीक है, ये पावर नहीं है उनकी। इफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नर वर टू बी रीड एज हिज पावर एंड एंड अनट्रेमल्ड वन एट दैट, देन द गवर्नर हैज द पावर टू लिटरली समन द असेंबली टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट। दिस इज इन एनी सिटी एंड एट एनी प्लेस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम जो है इस चीज को, ठीक है, इस फंक्शन को अगर हम जो है उनके पावर मान लेंगे, तो फिर जो बात संविधान में लिखी हुई है ना कि एज एट सच टाइम एंड प्लेस एज थिंग्स फिट, ठीक है, तो फिर जो है वो सच्ची में बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। फिर वो जो आपका फिर वो जो आपका सेशन हो सकता है वो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। फिर वो किसी भी शहर में हो सकता है, फिर वो किसी भी जगह पे हो सकता है, हो सकता है वो रेस्टोरेंट में हो जाए, हो सकता है वो किसी पब में हो जाए, क्लब में हो जाए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ साफ कही कि ये जो है उनका फंक्शन है, ये उनकी पावर नहीं है। अगर हम इसको पावर बोल देंगे तो कहीं ना कहीं इसका मिसयूज हो जाएगा और कहीं ना कहीं जो हमने प्रोविजन संविधान में लिख रखे हैं, ठीक है, फिर कह सकते हैं कि बहुत कमियां उसमें निकल कर आ जाएंगी, ठीक है। दिस इज नथिंग बट आर्बिट्री एंड श्योरली एन आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर इज नॉट व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ईदर कंटेम्पलेटेड इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नर और इमेजिन इट्स वील्डिंग बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, ठीक है। तो उन्होंने साफ साफ ये बात कही है कि जो हमारे संविधान के निर्माता थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, ठीक है, ये वो ऐसा भी नहीं चाहते थे, उन्होंने ऐसी कोई पावर बनाई नहीं थी कि गवर्नर के हाथ में ऐसी कोई पावर आए, ठीक है। तो ये जो है ये फंक्शन है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऐसा साफ साफ बोला हुआ है। और सरकार या कमीशन, बहुत फेमस कमीशन है सरकार या कमीशन 1983 है, ठीक है, बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन है इसके ऊपर लक्ष्मीकांत की बुक में, सरकार या कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशंस का जो आपका चैप्टर है ना, उसमें सरकार या कमीशन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने भी साफ साफ कह रखा है कि सो लॉन्ग एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द असेंबली इट्स एडवाइस इन दिस मैटर्स अनलेस पेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल मस्ट बी डीम्ड एज बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। उन्होंने भी कह रखा है कि जब तक बहुमत की सरकार है तब तक उनकी जो एडवाइस होगी, कैबिनेट की जो एडवाइस होगी वो गवर्नर के ऊपर एक बाइंडिंग होगी, उनको जो है वो बात माननी पड़ेगी, ठीक है। ही और शी इज बाउंड टू एक्ट एज पर दैट एडवाइस, ठीक है। इट इज ओनली वेयर सच एडवाइस इफ एक्टेड अपॉन वुड लीड टू एन इंफ्रिंजमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और वेयर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज सीज्ड टू बी एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द असेंबली, ठीक है। ये एडवाइस सिर्फ तभी, केवल तभी जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानी जाएगी जब जबकि सरकार के पास बहुमत नहीं रह जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये बात उन्होंने साफ साफ कह रखी है। तो कहीं ना कहीं अगर हम सरकार या कमीशन की बात देखें, फिर हम संविधान की बात देखें, फिर हम अगर कोर्ट की रूलिंग्स की बात देखें, तो है तो यही डिस्कर्ष निकल के आता है कि गवर्नर के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर है नहीं, ठीक है। फर्स्ट इंस्टेंस में कोई डिस्क्रिशनरी पावर इस बारे में नहीं है, उनको जो है सरकार की एड एंड एडवाइस पर काम करना पड़ेगा, कैबिनेट की एड एंड एडवाइस पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। और वो केवल तब तक करना पड़ेगा जब तक कि उनके पास बहुमत है, ठीक है। जिस दिन बहुमत नहीं होगा उस दिन जो होगा गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर आ जाएगी, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस इफ द केरला गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन होल्डिंग द स्पेशल सेशन, ठीक है। तो अब केरला गवर्नमेंट क्या कर सकती है, केरला गवर्नमेंट हो सकता है कि उनकी बात ना माने, वो लगातार उनके पास रिक्वेस्ट भेजती रहे, ठीक है, जो कर भी रही है, जो आपका राजस्थान में भी देखा गया था कि कई बार जो है वहां के गवर्नर को बोला गया था, ठीक है। तो सिंस द गवर्नर्स पावर्स आर लिमिटेड विद रिगार्ड टू समनिंग द हाउस देयर कैन बी नो लीगल ग्राउंड टू डिनाई रिक्वेस्ट फॉर समनिंग द सेशन, ठीक है। तो अगर हमने हमने संविधान की बात कर ली, कोर्ट की रूलिंग से बात कर ली, सरकार या कमीशन की रिकमेंडेशन की बात कर ली, ठीक है, तो हमें पता चल गया कि भाई लिमिटेड पावर्स है गवर्नर के पास, तो गवर्नर जो है रिफ्यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो गवर्नर रिफ्यूज डेफिनेटली नहीं कर सकता, लेकिन अगर गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और वो नहीं मानते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है उसको कोर्ट, इस बात को जो है कोर्ट में ले जाया जा सकता है, ठीक है। फिर वो कोर्ट इस बारे में क्या डिसीजन देते हैं, ठीक है, वो तो कोर्ट, वो तो हमें टाइम के साथ पता चलेगा। हो सकता है जी आरिफ मोहम्मद खान जो है बात मानी जाए, ठीक है, जैसा आपका हिस्सा में मान ली गई थी, ठीक है। द पोलिटिकल नेचर ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर स्पेशली इन ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैज बीन अंडरलाइन इन सेवरल इंस्टेंसेस बाय कोर्ट्स। द कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स एंड बैलेंसेस एंड लैंडमार्क कोर्ट रूलिंग्स अकाउंट फॉर दिस एंड लिमिट द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नर के फिर ऑफिस के बारे में बताया गया कि पॉलिटिकल नेचर काफी ज्यादा रहता है, ठीक है। आपको पता है ऑपोजिशन के जितने भी स्टेट्स हैं हमारे देश में, ठीक है, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार नहीं है, चाहे वो आपका चाहे आप देख लीजिए आपका वेस्ट बंगाल में जगदीप आपके धनखड़ जी जो है, ठीक है, उनका ममता बनर्जी के साथ चलता रहता है थोड़ा, है ना, 36 का आंकड़ा, ठीक है। केरला में आपको आरिफ मोहम्मद खान जी का दिख गया, ठीक है, राजस्थान में था आपका, देन महाराष्ट्र में आपके भगत सिंह कोश्यारी के साथ, ठीक है, आपका उद्धव ठाकरे जी का चलता रहता है, ठीक है। तो ये सब जो है रहता ही है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स एंड बैलेंसेस एंड लैंडमार्क कोर्ट रूलिंग्स अकाउंट फॉर दिस
एंड लिमिट द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स एंड बैलेंसेस और साथ में जो कोर्ट्स की रूलिंग्स हैं, ठीक है, जो लैंडमार्क रूलिंग्स हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स को लिमिट करते हैं। ठीक है, तो इस बात को जो है संविधान के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए, चाहे आप कुछ भी हैं, चाहे आप किसी भी ऑफिस को संभाल रहे हैं, ठीक है, संविधान के द्वारा अगर वो ऑफिस बनाया गया है तो संविधान के द्वारा आपको जो है वहाँ पर काम करना चाहिए। आप संविधान को किसी भी तरीके से लांघ नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि संविधान जो है सब चीज़ से ऊपर है, हर चीज़ से ऊपर है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब अचीव IAS, और इस लेक्चर की PPT के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।